मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है नीरज मुंडा। आज हम लोग कुछ वाक्यों के बारे में जानेंगे जो रोजाना उपयोग होते हैं, तो समय न गवाकर हम लोग वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास शब्द है हिंदी में तुम कैसे हो। अगर हम लोग ये वाक्य यानी तुम कैसे हो मुंडारे में किसी से पूछना हो तो उसे हम लोग मुंडारे में किस तरह पूछेंगे, चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो शब्द वाक्य है तुम कैसे हो, इसे हम लोग मुंडारे में कहेंगे हम चिल्का मिना मिया। इसे मुंडारे में हम लोग कहेंगे हम चिल्का मिना मिया या फिर हम चिल्का मिना मा। हम लोग दो तरह से पूछ सकते हैं, हम चिल्का मिना मिया या फिर आम चिल्का मेना माँ, इस तरह हम लोग सवाल कर सकते हैं। तो हमारे पास अगला शब्द है आप लोग कैसे हो। अगर ये वाक्य आप किसी से पूछ रहे हो, बहुत सारे लोग हैं और आपको कहना है आप लोग कैसे हो, पूछना है, तो हम लोग इसको मुंडारे में कैसे पूछेंगे चलिए जानते हैं। तो आप लोग कैसे हो, इसका मुंडारी हो जाएगा आपे चिल्का मिना पिया। हम लोग कैसे पूछेंगे आपे चिल्का मिना पिया। दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि इसी तरह का वीडियोस आपको लगातार मिलते रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वाक्य है हिंदी में तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। अगर इस तरह का सवाल किसी से पूछना है यानी अगर दो इंसान हैं और उन दोनों को अगर आपको पूछना है तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, तो उसकी मुंडारी हो जाएगा तुम दोनों का होता है हाँ? तुम दोनों का होता है आबिन आबिन होते बिन से नोतना। हम लोग इस वाक्य को अगर मुंडारी में कहेंगे तो कहेंगे आबिन होते बिन से नोतना। तो हमारे पास वाक्य है हिंदी में क्या तुमने खाना खाया या फिर क्या तुमने खाना खा लिया। अगर आपको किसी से इस तरह का सवाल करना है मुंडारी में तो उसे हम लोग कैसे कहेंगे चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो क्या तुमने खाना खाया या फिर खा लिया, तो इसका मुंडारी हो जाएगा हम मांडिम जोंकेदा। आपको अगर ये वाक्य मतलब क्या तुमने खाना खाया या खा लिया ये वाक्य किसी से पूछना है मुंडारी में तो आप कहोगे हम मांडिम जोंकेदा। दोस्तों अभी तक तो हमने जाना क्या तुमने खाना खाया, इसका मुंडारे में हम लोग को क्या कहना है। अब हम लोग जानेंगे यही सवाल अगर कोई आपसे पूछता है क्या तुमने खाना खाया या खा लिया, अगर किसी ने आपको ऐसा पूछा तो आप मुंडारे में उसको क्या जवाब दोगे उसके बारे में हम लोग चलकर जानते हैं। तो चलिए पहले मैं इसे मिटाकर इसका हिंदी लिख लेता हूं फिर इसका मुंडारी जानते हैं। तो हमारे पास सवाल था क्या तुमने खाना खाया या फिर क्या तुमने खाना खा लिया, तो इसका जवाब हम लोग हिंदी में कैसे देंगे हाँ मैंने खाना खा लिया है ना। तो हम लोग पहले इसका हिंदी लिख लेते हैं फिर इसका मुंडारी जानते हैं। हाँ मैंने खाना खा लिया। तो हिंदी में हम लोग इस तरह कहते हैं यही वाक्य को हम लोग मुंडारी में जानते हैं। तो हाँ का हो जाएगा हे आई मांडी जोंकेदा। इसका उत्तर हो जाएगा हे आई मांडी जोंकेदा। अब इसी प्रश्न में यानी कि
क्या तुमने खाना खाया, ये प्रश्न में अगर हम लोग को नहीं कहना हो, जैसे हम लोगों ने इसमें कहा है हाँ मैंने खाना खाया, अगर हम लोग को इसी प्रश्न का उत्तर में नहीं मैंने खाना नहीं खाया कहना हो, तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, उसे मुंडारे में हम लोग क्या कहेंगे। तो पहले मैं इसका हिंदी लिख लेता हूं। तो हमारा प्रश्न क्या था, क्या तुमने खाना खाया। तो अगर हम लोग इसका जवाब ये देंगे यानी नहीं मैंने खाना नहीं खाया, तो इस वाक्य का हम लोग को मुंडारे में क्या कहना है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो नहीं का हो जाएगा कागे, कागे एन एन मांडी कैन जोमतदा, इसका मुंडारी हो जाएगा कागे एन मांडी कैन जोमतदा। हिंदी था नहीं मैंने खाना नहीं खाया है, तो इसका मुंडारी हो जाएगा कागे एन मांडी कैन जोमतदा। हमारे पास अगला वाक्य है हिंदी में, घर पर सब कैसे हैं। अगर आपको किसी से पूछना है घर पर सब कैसे हैं, तो इसे हम लोग मुंडारे में किस तरह पूछेंगे उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो घर का होगा उड़ा, उड़ा रे सोबेन को चिल्का मेना हुआ। तो अगर आप लोगों को किसी से सवाल करना है घर पर सब कैसे हैं, तो आप लोग उनसे मुंडारे में कहोगे उड़ा रे सोबेन को चिल्का मेना हुआ। अब दोस्तों, जैसे अगर आपको किसी ने पूछा घर पर सब कैसे हैं और आपको जवाब देना है कि घर पर सब लोग ठीक है, सभी लोग ठीक है, तो चलिए उसके बारे में हम लोग मुंडारे में जान लेते हैं कि उसे क्या कहते हैं। तो पहले मैं इसका हिंदी लिख लेता हूं। हम लोग को अगर घर पर सब ठीक है ये कहना हो किसी से मुंडारे में, तो उसे हम लोग कहेंगे उड़ा रे सोबेन, सोबेन को मजा गया को, उड़ा रे सोबेन को मजा गया को, या फिर बुगिन गया को। अगर किसी को हमें जवाब देना है घर पर सब ठीक है, तो हम लोग दो तरीका से बोलेंगे। पहला तो हम लोग बोलेंगे उड़ा रे सोबेन को मजा गया को, और दूसरा है उड़ा रे सोबेन को बुगिन गया को। ये दो तरीका से हम लोग जवाब दे सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। आशा है आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है। अगर कोई सवाल करना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा, और हाँ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले मेरे इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।